नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले एग्जांपल में। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। ठीक है, कि कितना ग्राम आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का कितना ग्राम आपको रिक्वायर होगा। तो भाई मोलरिटी गिवन दे रखी है, तो मोलरिटी से अगेन आप क्या निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा कहानी हमें देखनी नहीं है इसमें। गिवन वेट कितना भाई पता करना है, मोलर मास कितना होता है भाई नाइट्रिक एसिड का HNO3 का 63 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml, लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो गया, सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 4। तो वेट इक्वल टू कितना आ रहा है ये 31.5 ग्राम। ये कब है, जब आपका नाइट्रिक एसिड कैसा था 70% HNO3 है। ठीक है, तो 70% HNO3 के लिए इतना वेट, 70% HNO3 के लिए आपका जो मास निकल के आया है वो 31.5 ग्राम HNO3 निकल के आया है। ठीक है, तो यदि यही आपका 100% होगा तो 100% HNO3 के लिए कितना आएगा, 31.5 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका सॉल्व करने पर, ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, क्या बोल रहा है कि भाई आपका 70% HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड है, उसका कितना ग्राम आपका रिक्वायर होगा 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वेट निकाला, कितना निकल के आया फॉर्मूले से हमारा मोलरिटी वाले से 31.5 ग्राम। अब ये जो निकल के आए कब है, जब आपका 70% HNO3 है, जब 100% होगा तब कितना आएगा, तो हमने निकाल लिया कितना आ गया 45।